Hey guys, welcome back to the channel. And finally, guys, this 5-channel amplifier को install करने का time आ गया है Punto के अंदर. So I'll show you the step-by-step method कि कैसे एक amplifier install किया जाता है car के अंदर. So first of all, we need a power cable like this. ये मेरी किसी previous install की बची हुई है. So उसके अंदर already लगी हुई है. So car के पास चलते हैं, bonnet खोलते हैं and उसके बाद मैं आपको सारा step-by-step process बताता हूँ. Let's go. So guys, just connect that wire to the positive side of your terminal of the battery and hamesha guys, ek fuse aapne attach karna hai uske sath, ye jo hamari wiring kit aayegi uske sath hi milega. So hame is wire ko dhoondna hai ki hame andar kaise leke jana hai cabin ke. So guys, mujhe ab yaad aaya, so ye jo hamara coupler hai yahan pe, isi ke through maine is wire ko dal rakha hai jo ki hame samne dikh raha hai. Main pata nahi kyun dhoondne lag gaya tha. Ek end hai yahan pe connected. Just like this, एक रिंग टर्मिनल यूज करके यहाँ पे लगा देना एंड यहाँ से मैंने उसको अंदर डाला है. सो ये वाला पैनल भी मुझे उस टाइम पे खोलना पड़ा था. सो आप इसे खोलोगे यहाँ, वैसे हर कार का हिसाब किताब डिफरेंट होता है. सो इस पर्टिकुलर कार में हमें ये पैनल खोलना पड़ा, देन हम वायर को अंदर डाल पाए थे. आई डोंट नो व्हाई दिस गाय इज नॉट इवन इन फोकस, देयर वी गो. सो यहाँ से फिर हमने अंदर डाली, डैशबोर्ड के नीचे से है वो जगह, मैं आपको दिखाता हूँ अभी. सो गाइस, लेट अस गो अंडरनीथ द ग्लव बॉक्स क्योंकि बैटरी इसी डायरेक्शन में है. एंड ये जो आप रेड वायर देख रहे हैं यहाँ पर, इस पर्टिकुलर कारपेट को भी थोड़ा सा रिमूव करना पड़ेगा तभी यहाँ से आप निकाल पाओगे उसे बाहर. देन पूरी की पूरी वायर हमें यहाँ से अंदर खींचनी है. देन फिर मैंने क्या किया, ये जो पैनल्स हैं इनके नीचे से ले जाते हुए प्रीवियसली तो वो बूट के अंदर थी बिल्कुल पीछे, बट करंटली जैसे आपको पता है हमने जब अभी एम्पलीफायर हटाया था, सो इट इज़ अंडरनीथ दिस पैसेंजर सीट. सो वायर अभी काफ़ी लॉन्ग है, हमें वो भी काटनी है. सो लेट्स गेट इनटू इट. सो गाइस, ये आ गई हमारी पावर केबल जो कि काफ़ी लंबी है क्योंकि ये बूट तक जा सकती है. सो अभी मैं इसे अराउंड इतना यहीं से शायद काट दूँ जिससे कि कंफर्टेबली मैं आपके यहाँ प्लेस कर पाऊँ. एंड हमारा ये पावर केबल का काम तो खत्म हो गया. सो अब बारी आती है ग्राउंड की. ग्राउंड आप कहीं से भी ले सकते हो, वी जस्ट नीड टू कनेक्टेड विद द कार चेसी. जो बोल्ट्स लगे होते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग से वो. सो मैंने यहाँ पे देखा, सो मुझे ये मिला एक सीट के नीचे, पर यहाँ पे इट्स अ स्टार शेप बोल्ट ऑन बोथ साइड्स. सो मेरे पास टूल नहीं था तो मैं यहाँ से तो नहीं ले पाया, लेकिन यहाँ पे इस पर्टिकुलर साइड पे आप देखो तो ये नॉर्मल हमारा बोल्ट है. तो यहाँ पे मैंने ग्राउंड को माउंट कर दिया एंड इट इज़ अ वेरी सॉलिड कनेक्शन हियर. सो यहाँ से मैंने इस वायर को रूट कर दिया और वायर मेरी यहाँ तक आ गई जो कि है बहुत ही बढ़िया. इजीली यहाँ पे मैं इसको आर्म से कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ से अंदर से डाल डाल के, तो कोई वायर नज़र नहीं आती एंड इट्स अ वेरी वेरी सॉलिड कनेक्शन. सो हमारे दो वायर्स हो गई. सो अब हमारी तीसरी वायर हमें चाहिए जो कि रिमोट की. आपको उस वीडियो से याद होगा, लाइन आउट कन्वर्टर के वीडियो से. सो हमें एक रिमोट आउट उसके अंदर मिल रहा था, तो वो रिमोट आउट है ये वायर जो यहाँ पड़ी है. ये अब हम यहाँ से अंडर नीथ ग्लव बॉक्स के देन वही उसी पैनल से डालते हुए यहाँ पीछे तक ले आएंगे जितनी भी हमें रिक्वायर्ड होगी. सो हमारा रिमोट वायर भी रेडी हो जाएगा. सो दैट्स अबाउट इट गाइस. सो गाइस, ये बात तो रही पावर की, एम्प अप हमारा ऑन हो जाएगा जैसे ही हम ये तीन कनेक्शन उसको दे देंगे. सो बारी आती है सिग्नल की. सिग्नल के बिना तो स्पीकर से चलना नहीं ना. सो आपको लाइन आउट कन्वर्टर के वीडियो से याद होगा कि हमारे पास आरसीए केबल्स हैं. आरसीए केबल्स को मैं राइट साइड ऑफ द कार से रूट करूंगा एम्प की तरफ, नॉट फ्रॉम द लेफ्ट साइड, क्योंकि लेफ्ट साइड में आ रही है पावर केबल. अगर पावर केबल और आरसीए केबल आपस में टच होती है कुछ होता नहीं है, लेकिन इंटरफेरेंस स्पीकर में जरूर पिकअप हो जाती है, जी करके स्पीकर्स में से आवाज आनी स्टार्ट हो जाएगी. सो अगर आपको कभी बाय चांस करना भी पड़े ऐसा, तो कोशिश करना कि क्रॉस में आए, आपस में बिल्कुल टच ना करें. क्रॉस में आएगी, एक दूसरे के ऊपर से भी क्रॉस होगा तब भी इंटरफेरेंस नहीं होती, लेकिन अगर आप दूसरी साइड से ला सकते हो तो उससे बेटर चीज ही नहीं है कोई. सो आरसीए केबल्स को रूट करना स्टार्ट करते हैं. सो गाइस, ये है हमारी आरसीए केबल्स. एक तो ये है जो डायरेक्ट लाइन जाएगी हमारी एम्पलीफायर पे एंड एक जाएगी वायर दिस गाय बेस नॉब के अंदर होते हुए. एंड ये है हमारा रिमोट लाइन, ये यहाँ से जाएगी और ये सारी जाएंगी इस पर्टिकुलर साइड से. एंड गाइस, हमारा जो प्रीवियस लाइन आउट कन्वर्टर था उसको मैं पावर दे रहा था यहाँ से फ्यूज से. सो वो मैंने हटा दिया, बट वी नीड टू ओपन द कनेक्शन एज वेल. सो अब ये तो यूज में नहीं है, सो मैं यहाँ से खोल के इसे निकाल दूंगा. सो कुछ वायर्स भी निकल जाएंगी. एंड जो मैं उसे सिग्नल दे रहा था गायस, वो सिग्नल मैं दे रहा था नॉट वाया दिस मेथड जो भी हमने यूज किया था लाइन आउट कन्वर्टर के वीडियो में, बट एक्चुअली फ्रॉम द स्पीकर कनेक्टर्स, क्योंकि स्पीकर कनेक्टर्स हैं डोर में. सो दोनों डोर के अंदर से हमने उस वायर को डाल के यहाँ से लिया हुआ था. यहाँ देखो ना, देर आर मल्टीपल वायर्स, जबकि यहाँ पे एक कम हो जाएगी. अब वो मैं करूंगा शायद नेक्स्ट वीडियो में, जब मैं आपको बताऊंगा कि कंपोनेंट स्पीकर कैसे इंस्टॉल करते हैं एंड कोएक्सियल स्पीकर्स भी. कोएक्सियल स्पीकर्स के ऊपर तो एक वीडियो ऑलरेडी है, सो मैं यहाँ लिंक दे दूंगा, चेकआउट कर लेना. एंड एक्चुअली एम्पलीफायर इंस्टॉलेशन पे भी एक वीडियो ऑलरेडी है चैनल पे, सो उसका लिंक भी मैं ऊपर ही कहीं दे दूंगा स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में या दे दूंगा वो आप लोगों को, उसे भी चेकआउट करना चाहो तो कर सकते हो. एंड सो अब काम करते हैं, इस वायर को यहाँ से निकालते हैं, आरसीएस को डालना स्टार्ट करते हैं, फिर उस साइड जाके रिमोट को डालेंगे, देन फिर सारी वायर्स एम्पलीफायर पे कनेक्ट कर देंगे. एंड मैं सोच रहा हूँ यहाँ तो यहाँ पे माउंट करूँ बेस नॉब को या फिर यहाँ पे.
एक्चुअली आई एम वेरी कंफ्यूज्ड, सो मैं अभी आरसीएस डालने के बाद देखता हूँ कि कहाँ पे डाल सकते हैं उसे। गाइस इस रिमोट वायर को निकालते निकालते एक जॉइंट भी जब बीच में मिला, आई डोंट नो व्हाई आई डिड दैट बिफोर, एंड यहां तक मैंने इसको निकाल दिया है एंड एक वायर को मैंने यहां पे डाल दिया है जो डायरेक्ट कनेक्शन से आ रहा है एंड उसको मैं यहीं से पीछे से टक करके पीछे ले जाऊंगा। एंड जो बेस नॉर्मल वाली वायर है गाइस, जो कि ये है अपना, अभी इसका हर इनपुट साइड मैंने कनेक्ट किया है, आउटपुट साइड नहीं। सो मैं सोच रहा हूं कि इसके अंदर से वायर लेके बेस नॉब को करीब यहाँ पे कनेक्ट करूँ डबल साइडेड टेप के साथ इस पर्टिकुलर पोजीशन पे, जिससे कि इसकी वायर लेंथ भी थोड़ी सी छोटी हो जाएगी एंड इधर की प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, वहाँ पे रहेगा सही रहेगा, यहाँ तो उसके अंडरनीथ भी लग सकता है वो मैं देखता हूँ, बट मैं सोच रहा हूँ कि इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ही रखूँ तो थोड़ा ईजी एंड क्लीनर लुक रहेगी। सो आई थिंक यही करता हूँ मैं। सो गाइस आई हैव रूटेड द वायर्स, इट्स नॉट एन ईजी जॉब बट कर दिया। सो अब मैं इसे कनेक्ट करके इसको यहाँ स्टिक करके इन वायर्स को इसी के अंदर डाल दूंगा, जिससे कि ये कुछ नहीं नज़र आएगा, जस्ट लिटिल बिट आई थिंक दिस लेंथ ही आपको दिखेगी इसी पैनल पे मैं नीचे लगाने की सोच रहा हूँ। सो गाइस आई स्टिक दिस बेबी यूजिंग अ 3M डबल साइडेड टेप एंड कनेक्टेड द वायर्स, अब इन वायर्स को अंदर डालना है किसी तरीके। सो गाइस आई स्टिक एंड रूटेड ऑल द वायर्स, जस्ट के रिमोट वायर बाकी है हमारे पास यहाँ पर। सो इस पर्टिकुलर साइड पे हमें कुछ नहीं करना, तो जो करना है इस साइड पे करना है, इन सब वायर्स को रूट करना है बहुत ही अच्छे तरीके से। एंड गाइस वी आल्सो गोना रिमूव दीज टू वायर्स, जो ब्लू है, जो गोल्डन है, और एक और पीछे से कहीं एक और जो गोल्डन है पीछे कनेक्टर वाली, ये वही वायर्स हैं जो हमें पहले प्रीवियस लाइन आउट कन्वर्टर को सिग्नल देने के लिए यूज कर रहे थे, बट अब हमें ये भी निकालनी है। सो आई जस्ट रिमूव द कनेक्टर एंड आगे से मैं इसे खींच लूंगा। सो गाइस ये हैं वो वायर्स, एक बाहर एंड दूसरी गोल्डन भी हमें बाहर लेनी है, तो हो गई। एंड फिर ब्लू वाली, ब्लैक वाली जो रिमोट वायर के लिए हम यूज़ कर रहे थे। सो जो ये रेड एंड ब्लैक वायर है, ये हमारी स्पीकर की वायर है जो कि इस बच्चे की है, ये डायरेक्ट जा रही है। सो जब मैं वापस इंस्टॉल करूँगा एम्पलीफायर कंपोनेंट्स को, उसमें आपको बताऊँगा कैसे करना है। एंड वी गोना रिमूव दिस वायर, उसके लिए बेसिकली हम ये डोर खोलेंगे एंड इन द मीनवाइल आई विल टेल यू द एग्जैक्ट प्रोसेस ऑन हाउ डू वी इंस्टॉल द कंपोनेंट्स। There you have it guys, ये दोनों वायर्स मैंने निकाल ली, एक तो यहाँ से अंदर जा रही है और एक यहाँ से कनेक्ट होकर उस डोर पे जा रही है। सो यहाँ से जितनी भी होगी मैं वहाँ पे निकाल के वहाँ डाल दूंगा, देन जब भी हम ओपन करेंगे डोर कार्ड्स को हम उसको तभी निकालेंगे। एंड अभी हमारा एम्पलीफायर ऑलमोस्ट इंस्टॉल हो गया, जस्ट वी गोना रूट द RCS पीछे की तरफ। सो गाइस एवरीथिंग इज क्लीन हियर एक्सेप्ट फॉर दिस वायर, इसको हम जब कंपोनेंट्स इंस्टॉल करेंगे तब इसको निकालेंगे। तो अभी मैं इसको यहीं कहीं फंसा देता हूँ जिससे कि ड्राइविंग के टाइम पे ये किसी को लगे ना। सो गाइस अदर साइड की वायर भी यहाँ पे है, अभी मैं इसको यहीं से पैक कर दूंगा एंड रिमोट वायर को मैंने अंदर से टक करके डाल दिया है एंड जितनी अभी रिक्वायर्ड होगी हम उतनी रख लेंगे अंडर नीथ दिस सीट। सो बस सारे कनेक्शंस अब देने हैं एंड वी गोना रॉक। सो गाइस एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट डन, मैंने जो RC वायर डाली थी वो यहाँ से डाल के यहाँ से नीचे से टक करके यहाँ से यहाँ तक ले लिया है इसको जितना मुझे रिक्वायर्ड है। ये भी थोड़ी एक्सेस ही है जिससे कि थोड़ा कंफर्टेबल रहेगा, दैट्स अबाउट इट। एंड ये जो एक्स्ट्रा वायर है इसको छोड़ के इसको मैं कारपेट से ढक दूंगा, पावर को हमारे पास ऑप्शन नहीं है, पावर वायर को तो मैं काट दूंगा, इसको मैं काट नहीं सकता। सो ये है हमारी ग्राउंड, यहीं तक आ रहा है एंड बट मैं पावर और रिमोट वायर को थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेने वाला हूँ यहाँ तक। सो एंड ये हमारी स्पीकर वायर्स है, दिस इज़ फॉर द राइट स्पीकर एंड दिस इज़ फॉर द लेफ्ट स्पीकर एंड सब ऊपर की लाइन पीछे से आएगी। सो बस अब मैं कनेक्शन कर देता हूँ, इसके बाद हम इसे चालू करके देखते हैं एंड वी गोना ट्यून द एम्प वायर दिस मल्टीमीटर। अगर आपको ट्यूनिंग के बारे में नहीं नॉलेज इस एम्पलीफायर की, सो मेरे पास एक वीडियो है, यहाँ पे एक लिंक दे दूंगा मैं, मैंने प्रॉपरली एक एम्पलीफायर ट्यूनिंग के ऊपर एक वीडियो बनाया था, सो यू गाइस कैन चेक दैट आउट। सो अभी मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। सो गाइस इधर तो हमारी सारी वायर्स लग चुकी हैं, पावर, ग्राउंड एंड रिमोट एंड द फ्रंट कंपोनेंट्स अभी सिर्फ टेम्प्रेरी लगाए हैं मैंने एंड जो हमारा फिफ्थ चैनल पे लगेगा सब ऊपर वो अभी है नहीं तो बाद में लगेगा। एंड गाइस द 5 चैनल लैंप एज यू गाइस कैन सी, सो बीच के जो थर्ड एंड फोर्थ चैनल हैं बेचारे आइडल रहने वाले हैं अभी क्योंकि आई डोंट नीड देम राइट नाउ। सो गाइस द एम्प इज रनिंग ब्यूटीफुली एंड द सिग्नल वायर्स आर कनेक्टेड एंड इट इज ऑल्सो वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। बट गाइस मैं आपको अभी तो कोई भी सॉन्ग नहीं सुनाने वाला जब तक कंपोनेंट्स एंड कोएक्सल्स का काम नहीं कर लेता। दे आर वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन बट कुछ ना कुछ तो उसमें हम जरूर करने वाले हैं एंड वो वायर भी निकाल लें एंड पीछे थोड़ी सी वायर लूज है, सो वी गोना फिक्स दैट इन द मे बी इन द नेक्स्ट वीडियो। सो गाइस नो मैटर व्हाट आई डू मैं इसको इससे ज्यादा अंदर नहीं डाल सकता, थोड़ा सा टेढ़ा ही रहेगा। सो कोई बात नहीं, इसके ऊपर ये मैट हम डाल देंगे, सो एवरीथिंग गोना लुक नीट एंड क्लीन। सो गाइस देयर यू हैव इट, मैट ऊपर आ गए हैं दोनों साइड पे, सो अभी सीट्स ऊपर आ गए हैं। एज यू गाइस कैन सी आई एम 6 फीट 4 एंड
अल्ट्रा अमेजिंग लेग स्पेस, खैर इतना है नहीं इस घर में, सीट्स देखो बहुत ज़्यादा आगे कर रखी हैं। देयर यू हैव इट गाइस, दिस इज हाउ यू इंस्टॉल एनी काइंड ऑफ एम्पलीफायर इन योर कार। एंड गाइस प्रॉपर केबल मैनेजमेंट के साथ लगाना, थोड़ा सा टाइम फालतू लग जाता है लेकिन ट्रस्ट मी गाइस बहुत खुश रहोगे, अदरवाइज कुछ ना कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स वंस इन अ वाइल आती रहेंगी। सो गाइस फिर मिलते हैं बहुत जल्द हम अगले वीडियो में, टेक केयर। एंड अगर गाइस आप नए हो मेरे चैनल पे सो प्लीज डू चेक इट आउट एंड कंसीडर सब्सक्राइबिंग, एंड अगर कुछ हो सके तो प्लीज मेरा भला भी करा देना। ओके बाय, टेक केयर, मैं कुछ ज्यादा ही बोल रहा हूँ, बाय।